देखिए, ये जानना बड़ा ज़रूरी है, ये बच्चे अभी भी ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं कि पैटर्न चेंज होने के बाद आपकी तैयारी भी किस तरीके से करनी है, थोड़ी बहुत चेंज होगी। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो 125 से क्वेश्चंस घट के अब 55 हो गए हैं, जिसमें आपके ऑलमोस्ट मोर देन 15 चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, अर्थमेटिक और एडवांस मिला के। तो ओवरऑल आप देखिए तो आपको प्रिपरेशन अपनी थोड़ी सी कन्फाइन करने की ज़रूरत है, ताकि आप और सब्जेक्ट्स को भी टाइम दे पाएं, पर उस कन्फाइंड टाइम में आपको मैक्सिमम सिलेबस कवर भी करना है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट हो। तो उसमें आप पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर सॉल्व कर लिए उस चैप्टर के, तो आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। इसी तरीके से हम लोग परसेंटेज का चैप्टर शुरू करेंगे, जिसमें यहाँ पे आपको सारे टॉपिक्स दिख रहे हैं। हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस मिला के करीब 150+ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, जो सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होंगे, या तो CGL Tier 1 Tier 2 के होंगे, CHSL के होंगे, CPO के होंगे, या CRPF का भी एक एग्जाम हुआ है 2023 में, जिसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन सब का मिक्स करके मैं आपको चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा, ताकि आपका कम टाइम में वो चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो पाए। तो आज का पार्ट 1 में हम लोग करेंगे एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन के क्वेश्चंस। टोटल हम लोग इस वीडियो में 12 क्वेश्चंस करेंगे। इसमें एक चीज आपके लिए जानना जरूरी है, एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन के क्वेश्चन में एक फॉर्मूला आपको आना चाहिए, बस प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं बता दूं, मान लीजिए कि ऑरेंजेस हैं, उनका प्राइस है 50 रुपये पर किलो का, और एक फैमिली उसका पर मंथ 10 किलो का कंजम्पशन है, ठीक है। तो कंजम्पशन क्या होगी? खपत। प्राइस हो गया भाव, और एक्सपेंडिचर क्या हो गया? टोटल खर्चा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमेशा बनता है, इसी पे बेस्ड हम लोग बहुत सारी ट्रिक्स का यूज करते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों में। तो 12 क्वेश्चंस हैं, इसमें हम लोग थोड़े इजी क्वेश्चन से शुरू करेंगे और हार्ड क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। इसमें हम लोग इस तरीके से टेबल बना लेते हैं, इनिशियल और फाइनल, ये हो गया प्राइस, ये हो गया कंजम्पशन। आपको दिया हुआ है प्राइस पेट्रोल का 28% बढ़ा दिया जाता है, तो कभी भी परसेंटेज वाइज कोई प्राइस बढ़ाया जाए तो हम लोग इनिशियल को 100 ले लेते हैं, ताकि इजीली हम फाइनल वैल्यू पे डिराइव कर पाए। और आपसे बोला जा रहा है कि खर्चा उसे सेम रखना है प्राइस बढ़ने के बावजूद, तो उसे कंजम्पशन कुछ ना कुछ घटाना होगा, वो कंजम्पशन कितना परसेंट घटाना होगा। यानी कि मैं बोल सकता हूँ एक्सपेंडिचर 1 और एक्सपेंडिचर 2 दोनों सेम होंगे, यही ये बोल रहा है ना, खर्चा ओवरऑल सेम होगा। यानी कि आपको टेक्निकल लैंग्वेज में मैं बता दूं, उसके बाद मैं ट्रिक सिखाऊंगा तो आपको इजीली समझ में आएगी, कि P1C1 इज इक्वल टू P2C2। इस टाइप के केसेस में जब एक्सपेंडिचर सेम रखना है और एक एक वेरिएबल हमारा घटता या बढ़ता है, तो दूसरा वेरिएबल हम लोग बस रिवर्स कर देंगे। और हमारा परसेंटेज यहीं से निकल आएगा, यानी कि कंजम्पशन पहले 128 किलो का था, अब 100 किलो का आ गया, या पेट्रोल की बात करें तो 128 लीटर का था, अब 100 लीटर का आ गया। अगर एक्सपेंडिचर सेम है, बस इतना सा करना है आपको, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी कि कंजम्पशन इनिशियल कितना हो गया 128, कंजम्पशन फाइनल कितना हो गया 100, दोनों का हम रेशियो बना लेंगे सिंप्लीफाई करके। तो ये 4 से जा रहा है 25 और ये 32, ठीक है। दोनों में फर्क कितने का आया? -7 का। चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100, यही होता है परसेंटेज चेंज निकालते हैं ऐसे। 4 से फिर कर देंगे, ट्वेंटी वन पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन है, तो यहां से हम अपना आंसर टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे चेंज इस बार क्या कर दिया, CHSL 2022 में पूछा गया है, आपको कंजम्पशन की रियल वैल्यू दे दी है, ठीक है। तो हमेशा हम लोग को इसी तरीके से बनाना है, और एक्सपेंडिचर इस बार भी बोल दिया सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ कि प्राइस ऑफ कमोडिटी 100 से 75 कर दी बढ़ा के घटा के, या अगर रेशियो वाइज मुझे लिखना है तो 4:3 लिख सकता हूँ मैं। और कंजम्पशन मेरा क्या किया, 20 किलो बढ़ा दिया, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू है, तो इसीलिए आपको यहां एक्स लेना होगा, और यहां पे एक्स प्लस 20 ले लेंगे,
और सेम चीज करूं मैं, e1 इज इक्वल टू e2 क्योंकि है, तो यहां से मैं यूज करूंगा 4x इज इक्वल टू 3x प्लस 20, यहां से 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 60, यानी कि x की वैल्यू आपसे पूछ रहा था वो आ जाएगी 60। अर्लियर कंजम्पशन पूछ रहा है जो कि हमने x माना है, तो ये आंसर आ गया हमारा 60। क्वेश्चन नंबर 3 पे अगेन देखिए, आपको रियल वैल्यू दी हुई है, प्राइस इस बार रियल वैल्यू में दिया है। अब देखिए इनिशियल और फाइनल आपको दिया हुआ है। मैंने हमेशा आपको बताया कि हमको रेशियो सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करके मैं इसे 5:7 भी लिख सकता हूँ, इनिशियल और फाइनल प्राइस का रेशियो। जरूरी नहीं है कि हम रियल वैल्यूज ही लें, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सारी चीज रेशियो और परसेंटेजेस में देखते हैं। प्राइस आ गया, कंजम्पशन आ गया, और नीचे एक्सपेंडिचर आ जाएगा। कंजम्पशन का भी परसेंटेज दिया है कि 100 से 80 कर दिया, यानी कि मैं डायरेक्टली अब लिख दे रहा हूँ 5 से 4 हो गया, ठीक है, 100 से 80 हुआ, उसी को मैंने रेशियो में कर दिया। और एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हो रहा है ये पूछ रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपेंडिचर 1 आ जाएगा, इनिशियल 25 था, और फाइनल कितना आ जाएगा 28, 7 × 4 28। तो यहां पे आप देख सकते हैं 3 की बढ़ोतरी हो रही है एक्सपेंडिचर में। इनिशियल वैल्यू हमेशा लेंगे अपॉन 25 × 100, 12% हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखें, इस बार देखिए आपको होल फ्रैक्शन यहां पे या मिक्स फ्रैक्शन आपको दे रखा है, तो इस वजह से भी बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं। इसका मैं टेक्निक आपको बता देता हूं, केवल कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है, बाकी कुछ भी नहीं है। एक्सपेंडिचर ऑफ प्राइस ऑफ ऑयल 20% बढ़ जाता है, यानी कि 100 से 120 हो रहा है, मैं बोल सकता हूं 5 से 6 हो रहा है, और कंजम्पशन डिक्रीज हो रहा है 81/3% से। इसका हम लोग को फ्रैक्शन बनाना है, यानी कि ये हो जाएगा 25/300, नीचे 100 भी लाएंगे क्योंकि परसेंटेज है, इसको लिख सकते हैं 1/12, 1/12 लिख सकते हैं। तो देखिए कंजम्पशन डिक्रीज हो रहा है, इनिशियल वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर लेनी है, अगर यहाँ डिक्रीज हो रहा है तो 1 कम कर देंगे, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में कम कर देंगे। अगर बोलता कंजम्पशन बढ़ रहा है तो ये 12:13 हो जाता, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब यहां से फिर से वही पूछ रहा है एक्सपेंडिचर का चेंज बताइए, तो इनिशियल कितना हो जाएगा 12×5=60, और फाइनल कितना हो जाएगा 11×6=66। अगेन मैं क्योंकि यहां सिंप्लीफाई कर सकता हूं तो सिंप्लीफाई कर लूंगा, 10:11, फर्क कितने का आ रहा है +1 का, और इनिशियल वैल्यू 10 है इंटू 100, 10% इंक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ डाल भी दिया है, कभी ऐसा क्वेश्चन जो ट्रिक से हटके आ जाता है तो भी बच्चों को टाइम लग जाता है एग्जाम में। देखिए आपको रेशियो दिया हुआ है खर्चे का, राइस पे 9:11, वेजिटेबल पे 5:5, ऑयल पे। इस रेशियो में खर्चा कर रही थी एक फैमिली, अब इनके प्राइसेस इतने इतने परसेंट बढ़ गए, तो क्योंकि मुझे रेशियो दिया हुआ है यहां में, मैं वैल्यू ज्यूम कर सकता हूँ, इसी रेशियो में होनी चाहिए वो वैल्यू, तो मैं 90, 110 और 50 ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे आंसर भी परसेंटेज में निकालना है, तो यहाँ पे मैं अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकता हूँ, मुझे यहाँ केवल ये रेशियो यहाँ पे मेरा जस्टिफाई होना चाहिए। इस पे मैं 10% बढ़ाऊंगा तो 9 बढ़ा, इस पे 20% यानी कि 11 और 11 22, और इस पे 30% 5×3 15, इतना रुपये बढ़ा। अब बहुत लोग क्या करेंगे कि इसके फाइनल प्राइसेस निकालेंगे, बट क्योंकि हमसे केवल चेंज पूछ रहा है कितना परसेंटेज एक्सपेंडिचर या खर्चा इंक्रीज हुआ, तो हम क्या करेंगे ये बढ़ा हुआ प्राइस को ऐड कर लेंगे, 31 और 15, 46 रुपये की खर्चे में बढ़ोतरी हुई, और इनिशियल खर्चा कितना था 250। तो यही हम निकालते हैं ना, एक्सपेंडिचर फाइनल माइनस एक्सपेंडिचर इनिशियल अपॉन एक्सपेंडिचर इनिशियल इंटू 100। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट जो चेंज है उसी को कैलकुलेट कर लिया, 46 रुपये बढ़े एक्सपेंडिचर में, इनिशियल हो गया 250, तो ये 18×95 18.4% आपका आंसर आ जाएगा जो खर्चे में
इस परिवार की बढ़ोतरी हुई। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सीआरपीएफ में पूछा गया क्वेश्चन है। अब ये थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है, बाकी सारी चीज सेम है। एक तो होता है कि प्राइस और कंजम्पशन और खर्चा, और दूसरा होता है दुकानदार की साइड से अगर आप सोचें तो उसके लिए वो प्रोडक्ट का प्राइस हो गया, कितने प्रोडक्ट की बिक्री हुई और टोटल रेवेन्यू कितना हुआ। यानी कि मैं मान लूं 50 रुपए का वो संतरा बेच रहा था और उसने 10 किलो संतरे बेचे तो टोटल उसे 500 रुपए का पैसा मिला, तो ये प्राइस ऑफ प्रोडक्ट हो गया, ये हो गई सेल ऑफ प्रोडक्ट और ये हो गई रेवेन्यू। ठीक है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। जैसे पी सी और ई होता था वैसे ये पी एस और आर है, फॉर्मूले सारे सेम रहेंगे, कुछ भी चेंजेस नहीं है इसमें। इनिशियल और फाइनल हम निकालेंगे, प्राइस डिक्रीज हो रहा है 12% तो 100 से ये हो जाएगा 88, और प्रोडक्ट की सेल जो है वो बढ़ रही है 24% तो ये 100 से हो जाएगा 124। और आपसे पूछ रहा है ये बताइए रेवेन्यू पे कितना फर्क पड़ा, तो पहले तो हम सिंप्लीफाई कर लेंगे इसे ताकि हमें बड़े नंबर्स ना मिले, तो ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 22, अगेन 4 से यहाँ जाएगा 25 और 31, तो 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 22 एकम 22, 66 और 2 68, फर्क कितने का आ रहा है 75, 50 और 7, 57। ठीक है, तो 57 रुपए की बढ़ोतरी हुई, तो डिक्रीज वाले ऑप्शन तो आपके गए, अपॉन में आ जाएगी इनिशियल वैल्यू इंटू 100, 25 से कर लेते हैं 7 एकम 28, 228/25। हमें पता है 25 × 9 225 होता है, तो 9% से थोड़ी ज्यादा वैल्यू आंसर है क्योंकि 9 और 10 दिया है हमें, ज्यादा पास ऑप्शन नहीं है, तो यहां से हम डायरेक्टली इसे टिक भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा आप एंड तक एकदम कैलकुलेट करो, ऑप्शंस के हिसाब से आपको देखना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है, अगेन देखिए प्राइस सेल और रेवेन्यू के ऊपर का ये क्वेश्चन है। प्राइस रिड्यूस हुआ 20%, यानी कि 100 से 80 हुआ, मैं डायरेक्ट अब लिख दे रहा हूं 5:4 फाइनल रेशियो। सेल बढ़ी एक्स परसेंट से, तो ये वाला टाइप का जो क्वेश्चन है ना इसे ध्यान से देखिए कैसे करना है और क्यों करना है ऐसे, ये भी मैं बताऊंगा। हमको मारना है इनिशियल सेल 100, फाइनल सेल क्या हो जाएगी क्योंकि बढ़ रही है तो 100 + x। अगर मैं बोलूं कि 10% की सेल में बढ़ोतरी होती, x की जगह यहां दिया होता 10% और हमने लिया होता इनिशियल वैल्यू 100, तो फाइनल कितनी होती 110। इसीलिए 100 को इनिशियल वैल्यू रखने का फायदा होता है, जितने परसेंट का घटा या बढ़ा होगा उतना ही यहां पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और ये भी हम लोग को दे दिया कि फाइनली रेवेन्यू में 60% की बढ़ोतरी हुई, यानी कि पहले अगर 100 था रेवेन्यू तो अभी कितना हो गया 160, 5:8 रेवेन्यू का रेशियो आ गया। और मैंने आपको बताया प्राइस इंटू सेल रेवेन्यू होगा, तो मैं अगर 5 × 100 कर दूं, अपॉन में 4 × 100 + x कर दूं, तो मैं यहां पे इसके रेशियो के हिसाब से लिख सकता हूं ये, ठीक है कि नहीं ये बताइए। P1S1/P2S2 = R1/R2, क्योंकि सारी चीज हमने रेशियो में ली है तो डायरेक्ट हम लोग नहीं कर सकते कि 400 + x = 8 ले लिया, ऐसा नहीं कर सकते, हम लोग इस तरीके से रेशियो ले सकते हैं। 25 × 8 = 200 = 100 + x, यानी कि x की वैल्यू यहां से डायरेक्ट कितनी आ गई 100, 100% से बढ़ा था और डायरेक्ट हमारा आंसर भी आ गया। तो इस चीज का ध्यान रखें कि इनिशियल वैल्यू 100 आपको लेनी है, एक्स दिया है तो किस तरीके से आपको क्वेश्चन को लेके जाना है। इस तरीके के क्वेश्चन आजकल आ सकते हैं एग्जाम में। प्राइस बढ़ा दिया गया 19%, अगेन देखिए अब कंजम्पशन पे क्वेश्चन आ गया, सौ से 119 हो गया प्राइस, और 12% अगर उसने सोचा कि मुझे खर्चा करना है। स्पेंड का क्या मतलब हुआ, खर्चा यानी कि फाइनल खर्चा, तो ये बोल रहा है कि अगर इनिशियल खर्चा मेरा 100 का था तो अभी 112 का ये करेगा, ये चीज समझ में आई, तो यहां से मैं रेशियो निकाल लूंगा 25:28, ये मेरा एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया फाइनल।
अब ये बोल रहा है कि अगर आपको प्राइस का रेशियो भी दे दिया इनिशियल फाइनल, एक्सपेंडिचर का रेशियो इनिशियल फाइनल दे दिया, तो कंजम्पशन का क्वेश्चन वो पूछ लेगा, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, ये बोल रहा है कितना रिड्यूस करना पड़ेगा उसे कंजम्पशन, तो मैं इनिशियल 100 मानूंगा अगेन, और फाइनल कितना मान लूंगा, 100 माइनस एक्स। ठीक है, यहां पे मैंने एक्स क्या माना, परसेंटेज डिक्रीज इन कंजम्पशन। ठीक है, अभी क्वेश्चन को देखते जाइए, अगर आपको थोड़ी चीजें यहां पे डाउट भी हैं सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए यहां पे क्या है, पी वन सी वन, यानी कि 100 × 100 अपॉन 119 × 100 − x, ये मैंने अगेन बना दिया ई वन अपॉन ए टू, इस 7 से चला जाएगा 17 बार, 4 बार, तो ये आ जाएगा 4 × 4 = 4, 1600, और ये 1700 − 17 x। यहां से मैं बोल सकता हूं 17 x की वैल्यू आ जाएगी 100, और x की वैल्यू आ जाएगी 100 / 17, यानी कि 17 × 5 = 85 होता है, 5.150 बचा, 5.8% आएगा कुछ, और राउंड ऑफ करना है तो कितना आ जाएगा, 6% हमारा आंसर। इसीलिए मैंने यहां पे जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो कि आपको एक वेरिएबल यहां दे दे और फाइनल एक्सपेंडिचर का वेरिएबल दे दे और बीच में चेंजेस के बारे में पूछे, तो आपको इस तरीके से लेना है। यहाँ पे क्योंकि घट रहा था तो 100 − x लिया, अगर बढ़ रहा होता तो 100 + x लेते, तो डायरेक्टली जितना परसेंटेज घटा या बढ़ा वो आपका आंसर x के रूप में एंड में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, शुगर की प्राइस 18% बढ़ी, यानी कि 100 से 118 हो गई। अब मैं थोड़ा जल्दी करूंगा, आई होप आपने 8 क्वेश्चन अगर देखे हैं तो अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक पर्सन है जो एक्सपेंडिचर 12% बढ़ाना चाहता है, अगेन देखिए फाइनल वैल्यू दे दी, 100 से 112 करना चाहता है, इसका हम लोग रेशियो ले लेंगे, ये 50 आ गया, ये 59 आ गया, प्राइस का रेशियो, कंजम्पशन यहाँ रह गया 25, अगेन 28, कितना उसे डिक्रीज करना है कंजम्पशन, तो अगेन यहाँ पे 100 आएगा और यहाँ पे 100 − x आ जाएगा। अगेन हम सेम चीज करेंगे, 50 × 100 / 59, 100 − x इज इक्वल टू 25 / 28, यह आ जाएगा 5600 इज इक्वल टू 5600 − 59 x, यानी कि 59 x इज इक्वल टू 300, यानी कि x की वैल्यू मैं बोल सकता हूँ 300 / 59 होगी, जो कि 5 से थोड़ी सी ज्यादा होगी, पर यहाँ पे दो दो तीन ऑप्शन है जो बड़े क्लोज क्लोज हैं, तो हमें ये पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। 59 × 5 कितना होता है, 295, 5 की कैरी बची, डॉट लगाएंगे 50 आ गया, अगेन 0 ही आएगा, फिर 500 आएगा, तो करीब 8, 5.08% कुछ आएगा आंसर, राउंड ऑफ करेंगे एक डिजिट पे 5.1% हमारा सही आंसर आ जाएगा। तीन क्वेश्चन बचे हैं, जैसे ये मेंस का क्वेश्चन है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, अगेन देखिए प्राइस सेल और रेवेन्यू पे आ गया, आई होप अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं है, सेम ही चीज है, प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, चाहे प्राइस सेल और रेवेन्यू। रिड्यूस हो गया प्राइस, 100 से 80 हुआ, यानी कि 5:4 हो गया। सेल इंक्रीज हुई एक्स परसेंट से, यानी कि पहले 100 थी, अभी सेल कितनी हो गई, 100 + x हो गई, और आपको फाइनल रेशियो भी दे दिया कि भाई पहले 100 था अब 125 हो गया रेवेन्यू। यहां से हम अगेन यही चीज करेंगे, 5 × 100 / 4, 100 + x इज इक्वल टू 4/5, 2500 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं फटाफट, यहां से आ जाएगा 900 / 16 इज इक्वल टू x। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 जाएगा, 100 बचा, 6 जाएगा, 56 point something, एक ही ऑप्शन है, तो 56.25% हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, थोड़ा सा अलग टाइप का है, प्राइस ऑफ शुगर अगर 24% बढ़ती है, यानी कि 100 से 124 हुई,
और एक्सपेंडिचर 18% बढ़ाना है, यानी कि 100 से 118 करना है, तो कितना कंजम्पशन उसे डिक्रीज करना पड़ेगा। तो अगेन देखिए वही चीज़ आ जाएगी, 100 और 100 माइनस एक्स आपको लेना पड़ेगा। और यहाँ से अगर हम करें तो 100 इंटू 100 अपॉन 124। आप इसको इस रेशियो को सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं या यहाँ पे भी डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर लें, एक ही बात है। इस बार मैंने पहले से सिंप्लीफाई नहीं किया ताकि कुछ बच्चों को जो डाउट रह गया होगा 1% कि यहाँ पे सिंप्लीफाई क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे भी आप करेंगे डिवाइड तो देखिए सिंप्लीफाई होना है ना, इसलिए मैं पहले ही कर लेता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। 59, 62, 31, 50 ये आ जाएगा 2950 इज इक्वल टू 3100 माइनस 31x, ये कितना आ जाएगा 150। 150 अपॉन 31 इज इक्वल टू x, x ही आपसे पूछ रहा था क्योंकि यही हो जाएगा परसेंटेज डिक्रीज, तो ये 5 से थोड़ा कम आएगा, 4.8% आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, सही आंसर आएगा। अब हम लोग आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। तो आपको अभी ये समझ में आ गया होगा कि एक्सपेंडिचर कंजम्पशन को मैंने इस तरीके से क्वेश्चंस सॉल्ट आउट किए हैं ना, मुझे ऑलमोस्ट 10-12 दिन लग गए इसे करने में, तभी मैंने पिछले 10-12 दिन से कोई भी वीडियो नहीं डाली है। तो एक चैप्टर के इतने सारे ईयर्स के क्वेश्चन कंपाइल करके उस तरीके से डालना कि एक कैंडिडेट को उसकी तैयारी 100% हो भी जाए और कंटेंट भी बेस्ट उसको मिल जाए, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, बट आई होप अभी आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कंटेंट कितना इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। यानी कि मैं एस्पिरेंट होता तो मुझे इस तरीके के कंटेंट की रिक्वायरमेंट रहती थी। प्राइस बढ़ गया 35%, तो 100 से 135 हुआ, पर उसके बाद डिक्रीज भी हुआ। यानी कि देखिए इस बार प्राइस को एक बार बढ़ाया गया, एक बार घटाया गया, सारा चेंजेस प्राइस में ही हो रहा है इस लाइन तक। तो जब दो बार बढ़ाया या घटाया जाता है तो उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, जहां पे ए होता है फर्स्ट इंक्रीज डिक्रीज, बी होता है सेकंड इंक्रीज डिक्रीज, और कहीं पे भी डिक्रीज हो रहा है यानी कि नेगेटिव हो रहा है तो उसके आगे माइनस लग जाएगा, जैसे कि यहाँ पे माइनस लग जाएगा और यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए माइनस बी माइनस ए बी अपॉन 100। और यहाँ से डायरेक्टली आपको नेट इंक्रीज या डिक्रीज पता चल जाएगा, यानी कि 35 माइनस 20, 35 दुना 70, अच्छा 700 अपॉन 100, 15 माइनस 7 यानी कि 8%, क्योंकि पॉजिटिव में आंसर आया, इसका मतलब क्या हुआ कि नेट प्राइस में बढ़ोतरी कितनी हुई, 8% की। ठीक है, ये फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है, काफी क्वेश्चनों में आपके यूज आएगा। एक दूसरा तरीका भी होता है इसे करने का, आप एज्यूम कर लो 100, यहां से 35% पहले बढ़ाओ तो ये हो गया 135, और यहाँ से फिर 20% घटा दो 135 का, तो ये थोड़ा सा आपको इसमें हो सकता हो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए, वैसे कुछ नहीं है, दोनों बराबर ही हैं, 13.5 13.5 27 कम कर देंगे तो 108 आ गया, यानी कि यहाँ से भी सेम चीज़ आई कि 8% प्राइस में बढ़ोतरी आ गई। दोनों में जो सही लगे आप वैसे कर सकते हैं। तो प्राइस 100 से 108 हुआ और 4.5% उसने कंजम्पशन घटा दिया। ठीक है, सवाल सीधा सीधा है, चेंज इन एक्सपेंडिचर बताना है, पर वैल्यूज आपको काफी कैलकुलेटिव थी और इसी तरीके की वैल्यूज आपको इस बार सीजीएल 2023 में मिलने वाली हैं, क्योंकि अब सीआरपीएफ में पूछी गई हैं ऐसी वैल्यूज, तो सीजीएल में भी ऐसी वैल्यूज जरूर पूछी जाएंगी। तो 100 से कंजम्पशन बट घटा के कितना हो गया 95.5। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग क्योंकि वैसी कठिन वैल्यूज हैं, तो ये आ जाएगा आपका 25 27, ये जाएगा 5 से, ये आ जाएगा 20 19.1। 25 × 20 तो 500 होता है और फाइनल एक्सपेंडिचर आ जाएगा 27, 2 की कैरी आई यहाँ पे, 27 × 9 कितना होता है 270 में 27 हटा दीजिए, 50 में 7 हटा दीजिए, 243 और 2 245, 27 और 24 51, यानी कि इनिशियल आ गया 500, फाइनल आ गया 515.7, कितने का फर्क आया प्लस 15.7 का, तो डिक्रीज तो हो ही नहीं रहा, ये दोनों ऑप्शन गए। अब देख लेते हैं 15.7 का चेंज हो रहा है, इनिशियल वैल्यू 500 है, इनटू 100 कर देंगे 3 point something आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया। ये 12 क्वेश्चंस करके आपका एक्सपेंडिचर एंड कंजम्पशन में कुछ भी नहीं बचा है, एग्जाम में जिस भी तरीके का इस बार क्वेश्चन पूछ लें, आई होप आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। और इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से,
अगर आपको सेल्फ प्रैक्टिस भी करनी है तो। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि आप वीडियो देखो ना देखो, वो पीडीएफ से आप प्रैक्टिस जरूर करो, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपका सेशन आज के लिए कुछ भी यूजफुल रहा हो और आपको हेल्प किया हो आपकी प्रिपरेशन में। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।